देखिए कितना मस्त दिखता है ना, देखिए कितना मस्त दिखता है, देख लीजिए। कोई लोग बोल, देखिए हमारे दोस्त लोग पानी कैसे भरते हैं, देख लीजिए आप लोग को यही दिखाना है कैसा लगता है पानी लेने में यहाँ पे। बड़ा मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है, टाइप का लगता था। करने बात उत करते करते आप कब कहाँ पहुँच जाएगा आपको कभी पता नहीं चलेगा। ऊपर हूँ, ऊपर हूँ, वीडियो वीडियो देखेगा जरूर, जरूर वीडियो देखेगा। हाय एवरीवन, आज का व्लॉग चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए अभी अभी सो के उठे हैं और क्या बोलते हैं कि पानी ले जाने के लिए, मतलब पानी लाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पानी तो है पीने का सुविधा, लेकिन नहाने धोने के लिए है, लेकिन पीने के लिए हम लोग यहाँ चापाकल से ले जाते हैं, तो जो कि है थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, लगभग आने में आपको 4-5 मिनट का टाइम लगेगा। देख सकते हैं इधर चढ़ाई है थोड़ा सा, अभी तो लम रहे आराम से, इसमें ले जाने के बाद थोड़ा सा चढ़ाई मिलेगा उधर से आने समय, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है। इधर पेड़ उड़ है, बहुत ही मस्त कॉलेज है यहाँ पे, इतना अजगर भी है, अजगर भी है, उधार भी मिलेगा आपको बहुत सारा चीज़ जो चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा, और यहाँ पे नीतीश भी मिलेगा। बहुत दुख होता था कि नहीं मिल रहा है हॉस्टल, दोस्त के साथ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, अब मिल चुका है, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। कुछ और दोस्त लोग अभी आ रहे हैं आज, पूरा भरा नहीं है पूरा हॉस्टल, बोला ना भैया असली मैं यहाँ पे भी रख रखते हैं डब्बा, थोड़ा बाहर जाना है, तो देख सकते हैं यहाँ एक ये चपाकल है, एक यहाँ पे है, और इधर भी बाथरूम है, उधर देख सकते हैं, और यहाँ पे बोरिंग है। और आपको दिखाते हैं ये जो सामने दिख रहा है कॉलेज, इसी पे क्लास करने आते हैं हम लोग, तो ज़्यादा दूर नहीं है जी। बहुत कोई बोलता है कि हॉस्टल जो है कि वहाँ सुविधा नहीं दिया गया, लेकिन सुविधा बहुत है। अरे यहाँ देखिए, अरे हाँ उसी दिन लगाया था जो हम लोग को लगता था, कहा गया था कि मतलब हॉस्टल मतलब उतना बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं चलता है, ये नहीं है वो नहीं है, सब अफवाह था। अगर आपको चाहिए होता है, अगर चाहिए होता है बहुत अच्छा हॉस्टल है। अब बात करते करते आप कब कहाँ पहुँच जाएगा आपको कभी पता नहीं चलेगा। ऊपर हूँ, ऊपर ऊपर हूँ, कहीं भी पहुँच सकता है, कहीं पहुँच सकता है, कोई टेंशन नहीं। देखिए हमारा कॉलेज, मेरा क्लास है, यही हमारा क्लास है, जितना है सब ये सब पूरा इस साइड, ये हमारा टीचर रूम है। देखिए कितना मस्त दिखता है ना, देखिए कितना मस्त दिखता है, देख लीजिए। कोई लोग बोलता था कि मतलब कि यहाँ पर ये नहीं है वो नहीं है, बस बट रह कर पढ़ाई कर कर तब पता लग रहा है, एक्सपीरियंस करके बाद लग रहा है कि यहाँ सब कुछ है, जो कहने वाला सब बकलोल है। और अभी भी कुछ कुछ ऐसा लड़का है, कुछ कुछ क्या, मेरा ही दोस्त बोलता है कि हॉस्टल नहीं जाएंगे, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हॉस्टल में हॉस्टल का निरंजन मुंडा, हाँ निरंजन मुंडा नाम भी ले लेते हैं यार, दोस्त का मेरा भाई है हमारा निरंजन मुंडा, वीडियो वीडियो देखेगा जरूर, जरूर वीडियो देखेगा, और जरूर हम लोग का फिक्र आएगा। हाँ उसको ले कर लाए, मतलब लाएंगे रूम, उसके बाद दिखाएंगे कि देख भाई रूम रेंट में रहने से अच्छा है यहाँ पे रह के देख एक बार कितना मस्त है, भला है रात को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रात के 11-12 बजे तक आराम से रूम रहिएगा, उसके बाद सुबह होते होते लगता है कि अब सहन नहीं हो रहा है, ठंडा था। अभी तो अभी कुछ और लड़का आएगा ना तो और मजा आएगा रहने में, पहाड़ी इलाका है थोड़ा मजा, और यहाँ का वातावरण देख सकते हैं इतना मस्त शुद्ध है ना, आपको यहाँ वाहन का भी शोरगुल जैसे नॉइज नहीं सुनाई देगा काजी, जिसको पढ़ना है उसके पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया, पढ़ने के लिए बहुत मस्त जगह, बहुत बढ़िया जगह है पढ़ने के लिए, इतना इतना दो बार रेंग जाइए एकदम आराम से रेंग जाइए, मॉर्निंग वॉक कंप्लीट, फिटनेस भी अच्छा रहेगा। वो दिवांशु बुला रहा था, कहाँ बाहर में दौड़ेंगे आसमान से सुतल है अभी 12-1 बजे सोया है ना, Oh
से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये ठिकाना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सेना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा। देख सकते हैं अभी हम लोग नीचे आए थे यहाँ दुकान तो अभी बंद है क्या लेना तो कॉल भी लेकिन यहाँ पे मिलता नहीं है नहीं मिलता नहीं रखवे नहीं करता है। ये पूरा साफ किया गया है। पहले हमारा कॉलेज अभी कितना बज रहा है इंतजार था इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हिरनी मेरी देखिए यही कॉलेज है अभी हम लोग उधर से आ रहे थे तो आप ऐसा सीन पहले भी देख चुके होंगे ऑफिस है यहाँ पे। हाँ जी हो गया नहीं आपको नहीं जब तक लेंगे कैसे शूटिंग होगा। हाँ बोल दीजिए कैसा लगता है पानी लेने में यहाँ पे बड़ा मजा आता है भाई बहुत मजा आता है भिखारी टाइप को लगता था पानी लेने लगता है कि अरे कहाँ पे वो ढो तो घर पूरा हॉस्टल से यहाँ बहुत डिस्टेंस है। देखिए हमारे दोस्त लोग पानी कैसे भरते हैं देख लीजिए आप लोग को यही दिखाना है। तब सर कैसा लग रहा है पानी भर के अच्छा लग रहा है मस्त लग रहा है ना। हाँ तो देखिए यही ये इंजीनियरिंग लाइफ है ये देखिए इंजीनियरिंग लाइफ ऐसा ही जीना सुबह 8 बजे सोकर उठना 5 बजे उठने के जगह 8 बजे उठते हैं सब लोग सोके अभी भी नहीं उठते पता ठंडा लगने लगा था इसलिए उठ रहे थे। दो दिन तो लेट से गए ना दो दिन अच्छा टीचर का दिन अगर तुम लोग लेट किया ना कैसे लेट किया नहीं अगर मैम बोलेगी तुम लोग अभी हॉस्टल में रहते हो मैम लेट करता बोलेंगे मैम हॉस्टल है ना मैम आदत हो गया पानी भर गया है। चलिए चलिए अब चलते हैं रूम की तरफ खाना बनाने खाना बना के फिर हम लोग को कॉलेज भी आना होगा। तो फाइनली पानी भरा गया है देखिए कॉलेज कैंपस दिखा दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग का रोड दिख रहा है तो फाइनली अब हम लोग चलते हैं हॉस्टल की तरफ वापस हॉस्टल की तरफ चलते हैं क्योंकि खाना ही बनाना होगा हम लोग को अभी मुंह भी नहीं धोए हैं। खैर नहाएंगे तो नहीं नहाना तो दूर का बात है वो नहाता है राजू तो नहाएगा दो दिन से नहाया नहीं आज नहाना होगा नहीं तो तू नहाएगा नहीं यार नहाता कौन है यार रोशनी आ रहा है इंजीनियरिंग लाइफ में नहाता कोई नहीं है हम लोग तो नहाएंगे भी नहीं
नहाना क्या होता है जी, क्या होता है नहाना? अरे हम तो नहीं नहाना कुछ समझते, ठंड में ना, वो भी ठंड में कौन नहाता है? गलत बात। हाँ गलत बात, कितना ज्यादा चढ़ाना, कितना ज्यादा चढ़ाना पहले। और देखिये और चढ़ना है अभी हम लोगों, अभी और चढ़ना है। राजू भाई देखे चढ़ रहे हैं माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई, डब्बा खुल गया वो चलेगा, माउंट एवरेस्ट चढ़ाई पूरा करते हुए। भाई लग रहा है जैसे ट्रेन का पटरी है ऊपर जाते जा रहा है। हिल बता देना चाहते हैं भाई, मतलब क्या पानी की दिक्कत नहीं है वहाँ, हम लोग पीने के लिए यहाँ से ले जाते हैं। ये मत आप लोग ये मत कुछ समझिए कि मतलब पानी के लिए हम लोग इतना नीचे जा रहे हैं दिक्कत है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। पानी है वहाँ भी, पानी टंकी तो हम लोग का 2,000 लीटर का 8-10 टंकी ऊपर लगा हुआ है ऊपर में। ये हम लोग बस पीने के लिए पानी ले जा रहे हैं क्योंकि रात को ठंडा हो जाता है पानी, ठंडा प्लस वहाँ क्या बोलते हैं टंकी साफ नहीं होगा, टंकी साफ नहीं होगा इसलिए थोड़ा। अब ये नहीं है कि टंकी साफ नहीं होगा, हम लोग यही बोल रहे हैं टंकी होगा साफ, लेकिन हम लोग का भ्रम है इसलिए थोड़ा पानी नीचे से ले जाते हैं। कभी ये मत समझ जाए कि मतलब कि ऊपर पानी नहीं है तो नीचे से ढोना पड़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। आज कुछ कहिए, अगर आप इसी तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हैं अगर इस कॉलेज का या फिर कहीं भी कोई भी कॉलेज का, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज लाइफ कैसा होता है और कितना मज़ेदार होता है दोस्तों के बीच। हाँ दोस्तों के कितना मज़ा आता है। पहले तो मैं सोचा भी नहीं था कि इस तरह लगेगा रहने में हॉस्टल में। तो जो जो अगर कॉलेज लाइफ मतलब क्या बोलते हैं रहे होंगे उनको पता होगा कितना मस्त होता है। और हाँ जो जो रहे होंगे और मेनली जो अभी हम लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है, कल ही शिफ्ट हुए हैं मगर कितना मज़ा आ रहा है इतना दिन में अब पता चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज लाइफ, और ख़ास कर ये हॉस्टल लाइफ इंजीनियरिंग का कुछ अलग होता है। रात को 12 बजे तो सोते नहीं कोई। तो ठीक है, आगे हम यही बोलेंगे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी और शेयर करें जिससे व्यूज बढ़े और सब्सक्राइबर भी बढ़े। जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें इस वीडियो में 1,000 के लाइक, 15,000 के कम से कम 200-300 लाइक तो आना चाहिए। 1K कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, बस सब्सक्राइबर बढ़ाते जाइए, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। देखिए हमारे राहुल भाई छत पर घूम रहे हैं, देखिए राहुल भाई को छत पर, राहुल छत पर तुम्हारा बना रहे हैं। देखो देखो एक कपड़ा पसार रहे हैं।